एवरीवन, यू आर वाचिंग के धावा और मैं हूँ किरण कौर फहाद। आज इस वीडियो में मैं आई हूँ आपके सामने। पिछले जो 3-4 वीडियोस मैंने पोस्ट किए थे उनमें मैं खुद नहीं आई थी, बिकॉज इतनी तबीयत ठीक नहीं थी और आप लोगों से कांटेक्ट तो बनाए रखना था। तो आई डिसाइडेड कि जब भी मैं फ्री होंगी और थोड़ी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तो मैं रेगुलर कंटिन्यू करूँगी अपने वीडियोज़ को। अभी इतनी बीमारी में जब मुझे बहुत ज़्यादा बहुत लो फील हो रहा था, मैं बहुत नेगेटिव वाइब्स मेरे अंदर आ रहे थे एंड मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ ख़राब चल रहा है। मुझे लगता है कि कलर्स में इतनी पावर होती है कि वो आपको पॉजिटिविटी दें और आपको पॉजिटिविटी देने के साथ साथ वो कुछ नया क्रिएट करते हैं। मैंने ऐसी कुछ पुरानी ख़राब पुराने डिब्बे पड़े थे मेरे पास और अपने पेंट्स के थ्रू मैंने उनको नया लुक देने की कोशिश करी और वो बहुत ही ब्यूटीफुल प्लांटर बनकर आए। प्लांटर या कुछ भी आप उनको कह सकते हैं, जो भी आपकी ज़रूरत अगर हो उस हिसाब से आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो वो पेंसिल बॉक्स हो सकते हैं, पेंट बॉक्स हो सकते हैं, प्लांटर हो सकते हैं। बट जहाँ तक मेरी बात है, मैं उनमें से एक को प्लांटर बनाऊँगी, एक को शायद पेंट बॉक्स और एक को शायद प्लांटर फिर से बना दूंगी। तो ऐसी ही कुछ क्रिएटिविटी जो मैंने पिछले दिनों की है मैं आपको दिखाती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। वेस्ट नॉट वेस्ट सीरीज के अपने ड्रॉ किए हैं जिसमें इस बात का खास ध्यान रखा गया कि उनके आँखों का जो डिब्बे पर बनाए हैं ये बुद्धा, जब मैं ये बुद्धा ड्रॉ कर रही थी तो मेरे मन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मची हुई थी, बहुत सारी नेगेटिव वाइब्स थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बुद्धा को ड्रॉ करती चली गई मेरे मन में शांति आती चली गई। तो जहाँ मैं बुद्धा को रच रही थी, इन द एंड बुद्धा ने मुझे रच दिया। इस प्लास्टिक के डिब्बे का एक्चुअल कलर जो था वो ब्राउन था और बाकी जो एक्रिलिक कलर्स मुझे इसमें इस्तेमाल करने थे उनको इस डिब्बे पर पेंट कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने बेस के लिए इस्तेमाल किया ब्लैक कलर और फिर वैसे ही एक्रिलिक रंगों की मदद से ड्रॉ किए यहाँ पर बुद्धा। एक छोटी सी चिड़िया भी यहाँ पेड़ पर बैठी हुई है, आप देख सकते हैं। अपने तीसरे आर्टवर्क के लिए भी मैंने प्लास्टिक के ही एक डिब्बे का इस्तेमाल किया। ये डिब्बा टूट चुका था इसलिए मैंने वर्ली आर्ट की मदद से इसे एकदम एक नई शक्ल दे दी। कैसा लगा मुझे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आ जाए तो शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।